वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज। तो हरिद्वार से बड़ी खबर, निरंजनी अखाड़े के दो और संतों की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो संत अजय गिरी और सोमनाथ की मौत हुई, अब तक निरंजनी अखाड़े के पांच संतों की कोरोना की वजह से हो चुकी मौत। तो आज अखाड़े के 50 संतों की हुई कोविड जांच। तो धर्मनगरी हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, दो और संतों की मौत हुई है, निरंजनी अखाड़े के दो और संतों की कोरोना की वजह से मौत हुई, संत अजय गिरी और सोमनाथ की हुई मौत। तो अब तक निरंजनी अखाड़े के पांच संतों की कोरोना के चलते हो चुकी है मौत, आज अखाड़े के 50 संतों की कोविड जांच की गई। वहीं देश के साथ ही उत्तराखंड में 1 मई से 18 साल के 45 साल की उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाने के अभियान की शुरुआत होनी है, मगर अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पाई है। ऐसे में उत्तराखंड में शनिवार से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि मई के पहले हफ्ते में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। अब के वैक्सीनेशन को लेके कई तरह की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, राइटली सो ऑल्सो। जैसे आपको पता है कि हमारा फर्स्ट मई से वैक्सीनेशन 18-45 स्टार्ट हमारा होना था, जो हमारा नॉर्मल एक भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसके तहत आपके सभी के संज्ञान में है कि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ऑलमोस्ट 25 लाख की हमारी कोविशील्ड की डोसेस एंड 2.5 लाख की हमारी कोवैक्सीन की डोसेस को माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूव किया गया। इसके तहत ऑलरेडी हम लोग डीजी हेल्थ को इस संबंध में डायरेक्शंस भी दे चुके थे एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी लेटर भी जा चुका है। वहीं नजर डालें उत्तराखंड में कोरोना अपडेट पर, इस वक्त की बड़ी खबर, आज आए कोरोना के 5,654 नए मामले। तो उत्तराखंड में आज कोरोना के 5,654 नए केस, कोरोना से हुई 122 और मौतें। तो पिछले 24 घंटे में अभी तक की सबसे ज्यादा मौतें 105 देहरादून में। तो आज 4,215 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था, जिसमें महिला ने पीने का पानी मुहैया कराने की गुहार लगाई थी। महिला मुंह में ऑक्सीजन लगाए सोशल मीडिया के माध्यम से पानी देने की गुहार लगा रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम उसकी मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद अब अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। मैं सुशीता तिवारी से कोविड सर्वाइवर बोल रही हूँ। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है, प्लीज अपने लेवल पर टैग पे पीने का पानी डोनेट करें, जल्द से जल्द, सब परेशान है। दुखद है कि एक कोविड पेशेंट थी, काफ़ी सीवियर कैटेगरी में थी, सीरियस थी। हमारे डॉक्टरों ने जो है पूरा उनका इलाज किया, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जो है उनकी डेथ हो गई थी। हमारे यहाँ पे जो है आईसीयू में वो एडमिट थी। जो भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट आता है और इसमें जो है उनके गले में थोड़ा सा ये रहता है, हमेशा सूखा सा रहता है, पर पानी की कोई ये नहीं है। हम हर पेशेंट के उसमें जो है पानी की पर्याप्त मात्रा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, बावजूद इसके देहरादून में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना जांच के लिए आने वाले लोगों की अस्पताल में भीड़ लगी है, मगर लोग एक दूसरे से सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं। इन उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू है और ऐसे में तमाम लोग अपने टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। मैं इस वक्त कोरोनेशन हॉस्पिटल में हूं और उसके बाहर आप देखेंगे तो लंबी लाइनें हैं लोगों की जो यहां पर अपने टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं। आरटीपीसीआर हो, एंटीजन टेस्ट हो, इन तमाम टेस्ट के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कुछ दूरियाँ होनी चाहिए, वो दूरी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इससे भी बड़ी एक बात मैं आपको बताऊँ कि जो दूरियों की बात है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर खड़े हो रखे हैं वो तो आगे की फ्रंट लाइन पर यहाँ पर खड़े हैं जो यहाँ पर अपना टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी लापरवाही जो मैं आपको बताऊँगा जो कोरोनेशन हॉस्पिटल में है, इस तरफ अगर आप आते हैं और इस तरफ अगर आप देखें तो
यहाँ, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो आरटीपीसीआर के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक ऐसी गली जो बहुत संकरी है, वहाँ पर लोग अलग अलग नहीं रह पाएंगे, इस वजह से कोई स्वास्थ्य विभाग की कोई व्यवस्थाएँ नहीं हैं। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है और यही एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमेशा ही हम लोगों के सामने है। उत्तराखंड में जो कोरोना का आंकड़ा है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस भीड़ में जो भी लोग इफेक्टेड होंगे और कोई लोग ठीक होंगे, तो ये संक्रमण जो है एक से दूसरे को होना लगभग तय है। तो ऐसे में क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं और कोरोनेशन हॉस्पिटल की हम बात करें तो लगातार लोग काफ़ी लंबे वक्त से जो है यहाँ पर अपने टेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी क्योंकि सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है, लगातार एक बात की जा रही है कि दो गज की दूरी, मास्क पहने, ये तमाम चीज़ें। लेकिन लोग मास्क पहनेंगे भी लेकिन दूरी कैसे बनेगी? तो तमाम ये जो लाइनें हैं ये कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि ये जो बड़ी लापरवाही है ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। वहीं टिहरी में जिला अस्पताल बोराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गाड़ी बुक कराकर वैक्सीन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुँच रहे हैं, मगर भीड़ इस कदर ज़्यादा है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बताया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो अगर वैक्सीन लगवाने आए तो अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्योंकि यहाँ सर्वर रजिस्ट्रेशन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कभी सर्वर नहीं चल रहा है, जिससे यहाँ बहुत भीड़ हो जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी पालन नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कई लोगों को बोल दिया, बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो अवेयरनेस जनता को हम लोग बार बार दे रहे हैं। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को जिले में सभी सुविधाएं और बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में अभी 4,784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि बिना आरटीपीसीआर टेस्ट और चेकिंग के कोई भी बाहरी व्यक्ति नैनीताल जिले में एंटर ना करे। नैनीताल में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोविड की समीक्षा करूँ। मेरे जिला अधिकारी और साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा मोटा, एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हुई है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन चौबे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी जी ने भी बात की है, और ऊधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बातचीत की है। इस दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बातचीत हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए सरकारी और प्रशासन को और तैयारियां करनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान देते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवनदान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए, भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाए तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है। वहीं हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है। कर्फ्यू के बावजूद भी हरिद्वार में लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि बाजारों में दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग सड़कों पर गाड़ियों से लगातार आवाजाही कर रहे हैं, जबकि प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है। बीते दिन उत्तराखंड में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। हरिद्वार में 1,163 कोरोना के नए मामले पाए गए, इसके बावजूद भी लोग बेवजह घरों से निकलकर घूम रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच पिथौरागढ़ से राहत भरी खबर है। जिले को सरकार की तरफ से 9 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। एम्बुलेंस के आने में अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी।
नगर प्रदान की दी गई हैं जो 108 के माध्यम से चलेंगी और एकदम उनमें जो है कोविड के जो पेशेंट होंगे उनको फेरी फेरी से जिला अस्पताल तक और जिला अस्पताल से अगर रेफर किया जाएगा उनको तो ले जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़ में कोविड सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है, इसी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ शहर के नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी किया। डीएम का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नर्सिंग कॉलेज में कोविड सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, कोविड की रोकथाम के लिए अहम बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत ने विधायकों के साथ की अहम बैठक, तो विधायक जनता से संवाद बनाए रखें, यह कहा सीएम तीरथ सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा, तो विधायक जनता से संवाद बनाए रखें, यह कहा सीएम तीरथ सिंह रावत ने विधायकों से। वहीं एक तरफ मरीज इंजेक्शन के बगैर दम तोड़ रहे हैं, मगर इसमें भी कुछ लोगों की इंसानियत मर चुकी है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने की लगी हुई है। कोर्ट द्वार पहुंचे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा ही खुलासा किया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देखिए रिपोर्ट। कहीं ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, कहीं अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही। लोग तड़प रहे हैं, लाचार गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनकी टूटती सांसों को संजीवनी मिल जाए। कोरोना के सितम के आगे इंसान बेबस, मगर समाज के कुछ दुश्मन इस महामारी में भी पैसे कमाने की सोच रहे हैं। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करता था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसको भी उसका भी पर्दाफाश किया गया है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस फैक्ट्री में नकली इंजेक्शन, पैकिंग डिब्बे और मशीन बरामद की गई है, साथ ही मौके से नकली रेमडेसिविर की खेप भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में ये फेक दवाइयों का एक खेप सीज किया गया है जिसमें कि 198 वाइल फेक रेमडेसिविर है और पैकेजिंग मटेरियल है, 3000 एमटी वाइल्स हैं और जिनसे ये बना रहे थे फेक वो भी दवाइयां मिली हैं। कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस फैक्ट्री को चला रहा था। पूछताछ में पता चला कि आदित्य गौतम दवाओं की फैक्ट्री चलाता है। कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी तो नकली इंजेक्शन बनाने लगा। 27 तारीख को हमारी टीम ने हरिद्वार जाके वतन सैनी को अरेस्ट किया। वतन सैनी ने अपने लिंक के बारे में बताया आगे, आदित्य गौतम। आदित्य गौतम हमारा मेन आदमी है जिसका ये पूरा रैकेट, जिसका मास्टरमाइंड आदित्य गौतम है इस रैकेट का। आदित्य गौतम की एक फैक्ट्री है कोटद्वार में, ये खुद बी फार्मा पढ़े हुए हैं, एमबीए किया हुआ है। कोटद्वार की फैक्ट्री में इनकी रेड करी गई। आदित्य गौतम ने अरेस्ट के बाद हमें बताया कि ये, क्योंकि इनकी अपनी एक फैक्ट्री है और फार्मा के ही काम में ये लगे हुए हैं, तो कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे। इस इंजेक्शन की पैकिंग हरिद्वार की एक फैक्ट्री में भी होती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि ये अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। अभी प्री नाम से मैं दोबारा से कहूंगी कि इस नाम से कोई भी रेमडेसिविर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने हमें बताया कि 2000 इंजेक्शन ये ऑलरेडी
मार्केट में डिस्पोज कर चुके हैं। तो पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस तरह की कोई इंजेक्शन उनको कहीं पे मिलती है तो प्लीज ध्यान दें और ये इंजेक्शन कहीं पे भी किसी को यूज ना करने दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और छापेमारी कर दी। कोटद्वार में नकली इंजेक्शन तैयार होता रहा मगर पुलिस और प्रशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लग पाई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुलिस वाकई इससे अनजान थी या फिर यहाँ भी पैसों की चमक के आगे खाकी बिक चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कोटद्वार में पकड़ी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली फैक्ट्री के तार रुड़की से भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक रुड़की का रहने वाला है जो इंजेक्शन की सप्लाई का काम करता था। आपको बता दें कि रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी नकली दवाइयां बनाने का कारोबार लगातार फल फूल रहा था, जिसमें कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन ड्रग्स माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। कोई ऑथेंटिक तो अभी कोई सूचना ऑन पेपर हमारे पास नहीं आई। बता रहे कोई दिल्ली में कोई महिला वगैरह पकड़ी गई है और उससे कुछ जानकारी हुई कि हरिद्वार के इनके क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद स्थानीय पुलिस पर सवाल है। बताया जा रहा है कि गिरोह काफी समय से राज्यों में सक्रिय था, जिसकी उत्तराखंड पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोई एक नकली रेमडेसिविर का रैकेट पकड़ा है, उसमें मेरठ से लेकर के रुड़की कोटद्वार तक के तार जुड़ा होना ऐसा वो बता रहे हैं। मैंने अपने एसटीएफ को लगा दिया है कि वो भी इसमें जानकारी करें। जो दिल्ली पुलिस ने किया, लिखा पढ़ी में जो भी किया, जो भी उनकी बैकग्राउंड है, मेरे पास पूरा 100% उसका डाटा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं मेरठ और रुड़की क्षेत्र और कोटद्वार क्षेत्र के तार जुड़े होने की बात कर रहे हैं, तो मैंने एसटीएफ को अपनी लगा दिया जो पूरी सत्यता मालूम करेगी।